आज देश का आम बजट पेश होगा। देश की जनता टकटकी लगाए इसका इंतजार कर रही है। सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का लगातार पांचवीं बार यह आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला ये बजट बेहद खास है। आम बजट में रक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य सहित भारतीय रेलवे से जुड़ी कई घोषणाएं भी होंगी। उम्मीदें हैं आम लोगों को, जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन्हें उम्मीदें हैं कि इस बार इनकम टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी, उन्हें छूट मिलेगी। इसके अलावा किसानों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। जो किसान सम्मान निधि है उसमें भी इजाफे की उम्मीद है इस बार किसानों को। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है, लघु मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग हैं, उन्हें भी काफ़ी उम्मीदें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश होगी सरकार की भी कि उसका बजट बढ़ाया जाए। रक्षा के क्षेत्र में लगातार बजट बढ़ रहे हैं और इस बार भी उम्मीद है कि रक्षा के क्षेत्र में बजट ज़्यादा अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर सरकार बजट को विस्तार दे सकती है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।